महाकाल की नगरी उज्जैन में 6 से 10 फरवरी तक मलखंभ के शानदार मुकाबले होंगे। मलखंभ के 12 खिलाड़ी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से मध्य प्रदेश को पदक दिलाएंगे। मध्य प्रदेश की मलखंभ टीम के 12 खिलाड़ियों में उज्जैन के 8 खिलाड़ी रहेंगे। इनमें 5 लड़कियां एवं 3 लड़के हैं। इसके अतिरिक्त एक लड़की शायापुर, 2 लड़के शायापुर, 1 लड़का भोपाल से शामिल किया गया है। जिला खेल अधिकारी ओपी हारोड़ के अनुसार माधव सेवा न्यास के प्रांगण में सोमवार को 5 दिवसीय राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पारस जैन और विशेष अतिथि मध्य प्रदेश मलखंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू गहलोत रहे। शुभारंभ के बाद कुछ खिलाड़ियों ने रोप पोल लटकन मलखंभ का प्रदर्शन किया। मलखंभ की प्रतियोगिता में कुल 5 इवेंट होंगे। इसमें भाग लेने के लिए 18 टीम शहर पहुंच चुकी है। 5 कैटेगरी में होने वाले मुकाबलों के लिए 12-12 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 6 बालक एवं 6 बालिकाएं रहेंगी। 10 फरवरी को अवार्ड सेरेमनी व समापन होगा। ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत की थी। यह इसका 5वां संस्करण है और मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि इस बार का आयोजन मध्य प्रदेश को मिला है और उज्जैन में इसी के तहत मलखंभ और योगासन दो खेल हो रहे हैं। देश भर से 22 से ज़्यादा स्टेट से खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और आने वाले 4 दिनों तक अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले हैं। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद महाकाल राजा का खजाना खूब भरा हुआ है। जितना दान पिछले साल भर में नहीं आया उससे ज्यादा तो 3 महीनों में आ चुका है। जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 की तुलना में 2022 में 2 गुने से ज्यादा दान आया है। इसका सबसे बड़ा कारण महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होना है। वीकेंड में तो ये संख्या 3 गुनी हो गई। महाकाल मंदिर समिति को 2021 में 22,13,00,000 रुपए का दान मिला था, जो 2022 में बढ़कर 46,51,00,000 रुपए पहुंच गया। इनमें से सबसे ज्यादा आखिरी 3 महीने में 22,50,00,000 रुपए मिले हैं। देखिए, जो दान यदि हम बात करें, जो हमारी दान पेटियों में आता है और जो हम दान स्वरूप भस्मारती या फिर शीघ्र दर्शन या जल अर्पण में जो दान राशि लेते हैं, उसमें निश्चित रूप से जो 2021 मतलब जनवरी टू दिसंबर 2021 और 2022 जनवरी टू दिसंबर 2022 में लगभग 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। 2021 में लगभग 22 से 23 करोड़ रुपये का था वो, और अभी 2022 में लगभग 46 करोड़ के आसपास पहुँचा है। नहीं, वो पूरी तरीके से अलग है, मैंने इसे बताया। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो दान पेटियों में राशि आती है वो है, और जो हमारे विभिन्न दर्शन और अभिषेक चलते हैं उससे प्राप्त दान राशि। कांग्रेस ने देश भर में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आज उज्जैन में भी कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। उन्होंने घंटा घर से उद्योगपति गौतम अडानी की शव यात्रा निकाल कर कंट्रोल रूम के समीप स्थित LIC ऑफिस पर धरना देकर प्रदर्शन करते हुए अडानी का पुतला जलाया। इस दौरान SDM को राष्ट्रपति के नाम संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने बताया कि LIC और SBI देश का गौरव है, जिन्हें बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। विरोध प्रदर्शन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को अरबों रुपए फाइनेंस कर दिया गया। उसी क्रम में गौतम अडानी जी की कंपनी को करोड़ों अरबों रुपए का लोन दिलाया गया। पहले 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दिलाई गई, 50 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ब्रांडिंग में खर्च कराए। अब जो 50 रुपए बचे तो उसमें उसे कंपनी भी चलाना है और लोगों के पैसे भी लौटाना है। आज गौतम अडानी की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसका शेयर मार्केट गिर गया है, जनता का पैसा लगा हुआ है। LIC और भारतीय स्टेट बैंक, ये हमारे देश का गौरव है। आज अगर इनको ही बर्बाद कर दिया जाएगा तो ये देश कैसे चलेगा। आज हमने टावर से एक शव यात्रा गौतम अडानी की निकाली और यहाँ LIC चौराहे पर उनका पुतला दहन करके, धरना देकर पुतला दहन कर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया SDM महोदय को। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा
यहाँ पर जो अडानी के पैसा इस प्रकार से LIC द्वारा 4,000 करोड़ जो निवेश किया गया हुआ फर्जी तरीके से, इसमें आम जनता का पैसा पूरी तरह से, जो आम जनता का विश्वास है वो एक तरह से उनका भरोसा टूटा है। और जिस प्रकार से मोदी सरकार आम जनता का खिलवाड़ कर रही है उसके विरोध में यहाँ पर हमने पुतला दहन करा और SDM के नाम यहाँ पर ज्ञापन दिया। माधवनगर थाना क्षेत्र के कमला नेहरू मार्ग पर रहने वाले संतोष कुमार जैन परिवार सहित शनिवार को दमोह के पास स्थित पथरिया गए थे, जहां उनके सुने मकान पर ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात को रविवार रात को अंजाम दिया गया, जहां रुपए व नकदी सहित कीमती सामान चोर चुरा ले गया। जानकारी मिलने के बाद परिवार जनों ने माधवनगर थाने को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा और फॉरेंसिक टीम की मदद से आरोपी की छानबीन शुरू कर दी है। मेरे अंकल का परिवार बाहर पथरिया तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। मुझे खबर लगी सुबह कि इस मकान में के सब पूरे ताले टूटे हुए हैं, अलमारियां सब टूटी हुई हैं, इनकी चोरी हो गई है। अब कितना क्या गया है ये परिवार आने के बाद पता चलेगा। आपने कुछ पुलिस में सूचना दी? हाँ, हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की टीम आई है, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं वो लोग, उन्होंने पूरी हमारा सहयोग कर। कितने क्या नकदी है ये परिवार आने के बाद ही पता चल। रेलवे स्टेशन परिसर में बनी अवंतिका होटल में यात्री लाने के विवाद को लेकर रविवार रात को पहले होटल कर्मचारियों ने एक ऑटो चालक को जमकर पीटा, इसके बाद GRP के जवानों को बुला लिया। जवानों ने भी ऑटो चालक को लाठी से बेरहमी से पीट दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश पटेल ऑटो चालक है, रविवार रात को वह रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित अवंतिका होटल में यात्री को लेने गया था। यहां उसका होटल कर्मचारियों से विवाद हो गया। होटल के 4 कर्मचारियों ने पहले राकेश को जमकर पीटा और उसके बाद GRP थाने में फोन कर 3 जवानों को बुला लिया। तीनों पुलिस कर्मियों ने भी राकेश को बुरी तरह से लाठी से पीटा। बचाने के लिए उसकी मां तथा पत्नी मीना पटेल वहां पहुंचे तो तीनों पुलिस कर्मियों ने उनके साथ भी अभद्रता करते हुए मारपीट की। सोमवार को वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद तीनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। कोलूखेड़ी में रहने वाला लोडिंग ऑटो ड्राइवर 23 जनवरी को देवास जाने का कहकर घर से निकला था, जिसकी पेड़ पर लटकी लाश नीलगंगा पुलिस ने चिंतामन ब्रिज के नीचे वन विभाग के जंगल से बरामद की। अशोक मालवी पिता मदनलाल निवासी कोलूखेड़ी भेरूगढ़ 23 जनवरी को मामा के घर देवास जाने का कहकर घर से निकला था। दूसरे दिन उसकी पत्नी कविता ने भेरूगढ़ थाने जाकर अशोक के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसका मोबाइल 2 दिनों तक चालू था लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अशोक के भाई सुरेश ने बताया कि भेरूगढ़ थाने जाकर पुलिस को बताया था कि मोबाइल लोकेशन सर्च करवा दो ताकि अशोक का पता चल सके, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की और अपने स्तर पर तलाश करने की बात कहकर थाने से भगा दिया था। अशोक के परिजनों ने बताया कि उसकी दूसरी शादी हुई थी।